एलआईसी में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 7,000 रुपए हर माह 25,000 से अधिक कमीशन केवल 280 पद योग्यता 10वीं पास उम्र 25 वर्ष से अधिक सीमित पद जल्द संपर्क करें आशीष जैन एजेंट भर्ती अधिकारी 9098092369। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे किड्स वेयर गर्ल्स वेयर लेडीज वेयर मेंस वेयर राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे चादर पर्दे डोरमेट सोफे की गद्दी व कवर दोहर कंबल रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज बजाजी लाइन दमोह। दमोह में कुछ देर पूर्व गाड़ी खाना में दो पक्षों का विवाद सामने आया था। फटाखों फोड़ने को लेकर यहां विवाद हुआ था जिसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा था जिसमें एक अधिवक्ता का नाम भी सामने आया है जिसके लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अधिवक्ता के को लेकर पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई कि निष्पक्ष जांच कर अधिवक्ता का नाम इस मामले से काटा जाए चूंकि घटना के समय यह वहां पर उपस्थित नहीं थे जिसको लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। क्या कुछ कहना है सभी का आइए सुनते हैं। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष कार्यवाही की का आश्वासन भी अधिवक्ताओं को दिया है। संजय भैया और अग्रवाल जी आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि एक अधिवक्ता का मैटर था इसलिए हम लोग को सबको आना पड़ा और क्योंकि ये अधिवक्ता हैं और इनके ऊपर यदि झूठा मामला बनता है तो निश्चित हम एक निष्पक्ष जांच के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के पास आए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई की निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जांच करवाई जाएगी और निश्चित यदि आप उसमें दोषी नहीं हैं तो मामला जो है वो रफा दफा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ भी कर देगी और चूँकि हमारे अधिवक्ता हैं सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और हमारे अभी नए अधिवक्ता भी जो आए हैं वो भी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या है किसी न किसी के ऊपर बुराईवश मामला बनवा दिया जाता है और बाद में उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उनकी नौकरी पे भी आ जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कोई भी अधिवक्ता हमारे 700-800 अधिवक्ता हैं यदि किसी के ऊपर भी झूठा मामला बनता है तो मैं निश्चित रूप से हम सब पूरे अधिवक्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस कार्रवाई के विरोध में हम लोग निष्पक्ष जाँच की मांग करेंगे। बस यही हमारी मांग है। संघ के एक सदस्य हैं और हम लोगों को जानकारी मिली कि इनके विरुद्ध एक झूठा मामला पुलिस कोतवाली दमोह में दर्ज हो गया है। हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इस कारण से आए कि उनकी इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जब हम लोगों ने राम अवतार वाल्मीकि अधिवक्ता से बात की तो उनका कहना था कि जिस समय की वो घटना बता रहे हैं उस समय वो घटनास्थल पर नहीं थे, वो कहीं पर चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। जिसकी वीडियो फोटो जो फोटो भी उनके पास है तो उसी समय वो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक अधिवक्ता होने के नाते जब उनके पक्षकारों ने उन्हें कोतवाली में बुलाया तो वो वहाँ कोतवाली पहुँचे थे पर उनको देखकर दूसरे पक्ष ने इनके विरुद्ध भी झूठा मामला दर्ज करा दिया। निष्पक्ष जांच की मांग है। हमारा निवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय से ही है कि निष्पक्ष जांच कराएं, वीडियो फुटेज को देखें, वहाँ के गवाहों से भी संपर्क करें और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध कार्रवाई और अगर हम निर्दोष हैं तो झूठी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिनांक 13 नवंबर की बात है और शाम को लगभग 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। तो मेरे पास फ़ोन आने के बाद मैं कोतवाली पहुँचा और दोनों पक्ष वहाँ पहले से मौजूद थे और चूँकि उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई उनको लगा कि मेरे आने के प्रभाव से कुछ ऐसी रिपोर्ट दर्ज की गई है इसलिए उन्हें द्वेष बस मेरा नाम उसमें दर्ज कराया और अदरवाइज मैं सिर्फ एक समाज सेवी या अधिवक्ता के नाते वहाँ पहुँचा। मेरे दोनों पक्षों के विवाद से कोई सरोकार नहीं था लेकिन दूसरे पक्ष को शायद ये लगा होगा द्वेष बस के जैसे मेरी भूमिका बल्कि ऐसा नहीं है बल्कि जब इन दोनों के पक्षों में वाद विवाद हुआ था मैं उस वक्त सिविल वार्ड नंबर जटा संघ के पास एक कांग्रेस पार्टी की नुक्कड़ सभा चल रही थी उसमें मौजूद था 6 बजे से लगभग 7:30 बजे तक और फोन आने के बाद ही मैं वहाँ पर पहुँचा था लेकिन द्वेष बस मेरा नाम उसमें दर्ज किया गया है। इसी के संबंध में आज हम एसपी साहब के पास एक आवेदन लेकर आए हैं कि इस जो FIR की गई मेरे नाम के नामजद जो FIR है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और तथ्यों पर विचार किया जाए जिसके मेरे पास पूरे रूप से वीडियो फुटेज और वीडियोग्राफर पूरे हैं और संबंधित साक्षी भी इसमें मौजूद हैं। अगर मैं इसमें दोषी पाया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए अदरवाइज नहीं ऐसा नाम तो मेरा उस FIR से निश्चित रूप से नाम काटा जाए क्योंकि उनका मेरा उद्देश्य उनका उद्देश्य ये भी रहा कि मेरा भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाए। इसी के संबंध में आज ज्ञापन देने आए।